कि यहाँ पर कोई भी विकास कार्य बड़े उनके दिखते नहीं। और मुझे पता है ये सिर्फ पैसे का चुनाव रहा है उनका, पैसा वो खर्चा करते हैं, पैसा मनमाने खर्चा करते हैं। लगभग 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस 35 साल से यहाँ पराजय का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चिंतन मनन आज तक नहीं हुआ, क्या कारण है? चुनाव को आगे करके नगर निगम के चुनाव में ज्यादा पार्षद यहाँ के जीत के आते हैं जी, लेकिन विधानसभा की जब बारी आती है तो पराजय का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि उनका पैसा ही हावी हो जाता है हर जगह। वो पूरे यहाँ के जो मतदाता है उन लोगों में उनका सेटअप है, पैसा दे दे के ही चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया और एक नए चेहरे को जो मौका मिला उससे लोगों को उम्मीद है कि नयापन आएगा। हमारे साथ यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भी जुड़ रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष जी सुमित दास जी, लगभग 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कांग्रेस 35 साल से यहाँ पराजय का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चिंतन मनन आज तक नहीं हुआ, क्या कारण है? देखिए, बहुत ही जो दक्षिण विधानसभा है बहुत ट्रेडिशनल एरिया है, यहाँ पे सब पुराने गांव और पुरानी बसाहट है। बृजमोहन अग्रवाल जी का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो मैं अभी जो आदि बाबा ने कहा मैं उस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वो बाहर से आके इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे रह के महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी विकास कार्य बड़े उनके दिखते नहीं। और मुझे पता है ये सिर्फ पैसे का चुनाव रहा है उनका, पैसा वो खर्चा करते हैं, पैसा मनमाने खर्चा करते हैं और चुनाव को आगे करके नगर निगम के चुनाव में ज़्यादा पार्षद यहाँ के जीत के आते हैं जी, लेकिन विधानसभा की जब बारी आती है तो पराजय का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, नगर निगम का जो चुनाव है लोकल चुनाव है, निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि पार्षद जो हैं वो जीत के आते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे जो पार्षद मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि उनका पैसा ही हावी हो जाता है हर जगह। वो पूरे यहाँ के जो मतदाता है उन लोगों में उनका सेटअप है, पैसा दे दे के ही चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया और एक नए चेहरे को जो मौका मिला उससे लोगों को उम्मीद है कि नयापन आएगा। 13 तारीख को यहाँ दक्षिण में मतदान होना है, क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं चाहता हूँ रायपुर की जनता जो इस दक्षिण विधानसभा में रहती है, अगर वो चाहती है यहाँ पर एक अच्छा विकास हो, एक अच्छा प्लान हो, एक कार्य योजना के साथ काम हो, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी गरीबों के बस्ती उजाड़े अगर कोई वर्क हो सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी करेगी। और निश्चित तौर पर जो युवा आकाश है वो एक नए विकास की रचना यहाँ पर करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सुमित दास, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष।